my God! Wow! Yeah, boy. वो आ गया। देखो, देखो वो आ गया। तो कैसे आप लोग तो हेलो गेमर, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल आईटी की गेम प्ले वीडियो में, जिसमें कि मैं तुम्हारा भाई वापस आ चुका अपनी बकवास बोरिंग और आत्महत्या करने पर मजबूर कर देने वाली कमेंट्री के साथ। वैसे यार मैंने अपना पुराना वाला इंट्रो वापस लगा दिया, क्योंकि तुम लोग उसमें से ना बहुत सारे लोगों को लिटरली बहुत सारे लोगों को मेरा नया वाला इंट्रो पसंद नहीं आया था। तो क्या करें यार, अब तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो हमने वापस से अपना पुराना वाला इंट्रो लगा दिया। वैसे वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ज़िंदगी का सार है, बट हमारे लिए हमारा पुराना इंट्रो ही आधार है, इसलिए हमने चुपचाप से अपना पुराना वाला इंट्रो उठाया और चिपका दिया भाई साहब। बस क्या कर सकते हैं यार, तुम लोगों को पसंद नहीं आया तो, वैसे मेरे को भी इतना खास पसंद नहीं था तो इसीलिए मैंने वापस से अपना पुराना वाला इंट्रो चिपका दिया, क्योंकि इसकी जो म्यूज़िक है ना वही मेरे को बहुत पसंद है कैरिबिनाटी की। तो अब मैं तुमको बताऊंगा कि शुरू में जो तुमने इंट्रो देखा ना प्लेयर ड्रॉप वाला, वो भाई बीटा वर्जन का था, और मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो में कि बीटा वर्जन कैसे डाउनलोड करें, ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक पूरा देखते रहना, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन अब इतना बोलते ही तुम वीडियो छोड़कर मत चले जाना, बहुत बड़ा पाप लगेगा तुमको। मैं तुमको लास्ट बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है और तुम फ्लेयर ड्रॉप के मजे ले लेना। अब इस बंदे को हल्का फुल्का डैमेज मैंने पहले से ही दे दिया था, और इसकी हीलिंग वीलिंग लगाने की मेरे को साउंड आ चुकी थी, है ना? तो हमने जाकर बस एस्ट्रोल की दो बुलेट्स मारी और बंदे की पेटी बन गई। अब वहाँ से हम गाड़ी लेके निकले बंदों की तलाश में, और एक बंदा ये बेचारा इसके मुंह के सामने पे गाड़ी रोकी हमने, बट इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब इसको अंदर जाने से मतलब है, चाहे बंदा तुम्हारी पेटी बना दे, चाहे तुमको यूएमपी से मार दे, चाहे एस्ट्रोल कैसे मार दे। अब एक और बॉट भैया दिख गए थे, उसको भी हमने पेल दिया यहाँ पे बड़े इजीली। तो अब माल पानी लूट लेते हैं, है ना, हमारे हमको भी कमी रहती है गोलियों की। अब यहाँ पर मैंने बोला लेट्स गो, चलो चलते हैं यहाँ से बंदों की तलाश में, लेकिन हमारे AK-47 मॉडल भैया, पता नहीं उनको बंदे दिख गए थे और AK-47 मॉडल भैया को इन बंदों ने नॉक कर दिया। अब नॉक तो हो चुके हैं भाई साहब और चिल्ला रहे हैं हेल्प हेल्प, बट नहीं, हमको पहले हमारे किल से मतलब है भाई, क्योंकि वो दो बंदे अगर रिवाइव हो गया ना सेकंड वाला बंदा, तो वो आके हमको पेल जाएगा और हमको किल भी नहीं मिलेगा। तो हम पहले किल के लिए भागते हैं, उसके बाद तुमको रिवाइव देंगे, समझ रहे हो? मतलब किल्स हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम प्ले बनाना होता है भाई, ऑफकोर्स। तो यार इन दोनों को पहले हम जाकर पेलेंगे, उसके बाद मॉडल भैया को रिवाइव देंगे। वैसे ये मॉडल सस्ते वाला मॉडल है, तो तुम इसको रियल वाला मॉडल मत समझना। और पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों M1604 उठा ली थी गलती से। तो अब जाकर हम मॉडल भाई सबको रिवाइव देते हैं और फिर थोड़ी बहुत लूट वूट करेंगे इधर उधर, है ना? और ये बॉट चचा फिर से आ गए थे यहाँ पे, तो इनकी भी पेटी बना दी पहले आराम से। देखो यार, किल्स मेरे लिए मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर तुम डुओ खेल रहे हो ना, तो अगर तुमने एक बंदे को नॉक कर दिया ना, तो तुरंत जाकर पुश कर सेकंड वाले बंदे को पेलो, वरना रिवाइव हो गए ना तो तुम्हारे थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बॉट था, तो हम बॉट मारने के चक्कर में इधर आए थे, और ये दो टीम, ये मतलब दो की टीम यहाँ पर एक और, ये भी बॉट्स मारने के चक्कर में आई थी। तो अब इस चक्कर में हम दोनों की आपस में मेल जोल हो गया, तालमेल हो गया, और बस फाइट लेने लग गए यार। और यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों अंधाधुन स्प्रे मार रहा हूँ, मतलब सही में अंधाधुन लिटरली स्प्रे मार रहा था इधर उधर, और किसी को आधा आधा स्प्रे देकर छोड़ रहा था, किसी को पूरा स्प्रे भी नहीं दे पा रहा था, और मेरे खुद की 0 HP पे बाल बाल बच गया था मैं यहाँ पे। और फिर मेरे को अचानक से पता चला कि हमारे AK-47 भाई साहब यहाँ पर नॉकआउट होके ख़त्म हो गए। मतलब किसने बोला था कि जाने को तुमको, ये बताओ पहले मेरे को। नहीं मतलब वो तो चढ़ गए भाई, हम मॉडल हैं, हम रियल वाले मॉडल हैं, मतलब क्या समझते हो बे। और आफ्टर ऑल बेचारे को भाई पेटी बना दी उन लोगों ने पूरी तरह से, मतलब नॉक करके छोड़ा भी नहीं, बट पूरा फिनिश ही कर दिया। अब यहाँ पर AK-47 मॉडल भैया की तो पेटी बन चुकी थी, तो वो दोनों भाई चढ़ गए मेरे ऊपर, बट हमने भी जैसे तैसे यहाँ पर पहले उसको हल्का सा स्प्रे मारा और एस्ट्रोल की बस 2-3 बुलेट में बंदा नॉक हो गया। अब तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कि भाई RPG चला रहा है एक बंदा, वो भी गिली सूट वाला RPG चला रहा है, मतलब
आरपीजी कौन चलाता है बे, मेरे को ये बताओ। आरपीजी जैसी घटिया गन नहीं है पूरे गेम में, मतलब आरपीजी मेरे को पता नहीं क्यों पबजी मोबाइल लाइट वाले ड्रॉप्स में देते क्यों है। तो जैसे तैसे भाई हम यहाँ पे हीलिंग विलिंग लगाते हैं, है ना, क्योंकि आरपीजी वाले ने तो एक आरपीजी मारकर हमारी आधी डैमेज कर ही दी थी। तो हीलिंग विलिंग लगाते हैं और इन दोनों को भी पेटी बना देते हैं और फिर लूट पाट करके फिर आगे की तरफ निकलते हैं। ओके, तो मैं पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ लोगों को कि मेरे को बहुत सारे बंदे ये FPP बटन के बारे में पूछते हैं कि भाई ये कैसे है FPP बटन, तुम PUBG मोबाइल लाइट में कैसे खेल सकते हैं। तो देखो यार, मेरा सस्ता फ़ोन है 3GB रैम वाला, जिसमें कि PUBG मोबाइल लाइट तक लैग होता है। मेरे को 0 FPS नसीब भी नहीं होता इस गेम में, इसलिए मैं यार GFX टूल यूज़ करता हूँ एक, और उस GFX टूल में ना FPP मोड भी दिया हुआ है, तो इसी कारण से जो है मैं FPP यूज़ कर पाता हूँ इस गेम में। तो मेरे ख्याल से अब तुमको ये डाउट पूरा क्लियर हो चुका होगा। मतलब लिटरली कई सारे बंदों ने बोला कि फेक वीडियो है, हैकर है तू ये वगैरह, तो नहीं भाई, मैं GFX टूल यूज़ करता हूँ जिससे कि ये FPP मोड ऑन हो चुका है, अनेबल हो चुका है मेरे गेम में। तो अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे लाइव बचे हैं मेरे को छोड़कर, और जो कि सामने की तरफ सांप बने हुए, लिटरली सांप बने हुए। एक बंदा गिली सूट में है, एक ऐसे ही है, और एक बंदा पता नहीं कहाँ पर है। तो मैं जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि प्राइम भाई ने तो भर भर के टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं मेरे को। तो उनमें से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर मैं बंदों को पेल भी देता हूँ कभी कभी। तो प्राइम से मतलब प्राइम आर्मी YT, जो कि आजकल वीडियोस नहीं डाल रहा, पेपर चल रहे हैं उसके। तो अब जो है सांप जो मेरे को सामने की तरफ दिख चुके हैं, बट पता नहीं मेरा स्प्रे, अब तुम यहाँ से अगर देखोगे ना तो मतलब क्या टट्टी स्प्रे मैंने दिया है भाई साहब, मतलब इतना गंदा स्प्रे मैंने बंदों को दिया है। मतलब ये मत सोचो कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ भाई, सच में घटिया स्प्रे मार रहा था। मतलब इधर उधर ADS वगैरह देखोगे ना तो जैसे तैसे किस्मत की वजह से बंदों को लग गई और वो मर गए, वरना तो भाई उनकी पेटी नहीं बनती, वो मेरी पेटी बनाकर चले जाते। अब जो लास्ट बंदा था वो जोन से मरने वाला है यार, किल मेरे को नहीं मिला, भले ही डैमेज मैंने उसको बहुत ज़्यादा दिया, बट उसने बंदे ने अपना किल जोन के नाम कर दिया, क्या ही कर सकते हैं भाई साहब। वैसे मैंने कोशिश तो पूरी की थी, मॉली सॉली नेट वेट मारा था, बट बंदा जो है जोन से ही मर गया। और यहाँ पे हमारा चिकन डिनर होता हुआ, तो अब मैं तुमको बता देता हूँ कि तुमको बीटा वर्जन कैसे डाउनलोड करना है। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद फिर से अपडेट करना पड़ेगा तुमको 500 MB का। मतलब 500 MB का तुम डाउनलोड करोगे और अपडेट भी 500 MB का करोगे, मतलब टोटल 1 GB धर के चलो तुम, ठीक है, तब जाकर तुम्हारा गेम जो है अच्छे से चलेगा और तुम फ्लेयर ड्रॉप का भी मज़ा ले पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नई चीज़ें हैं जो कि तुमको बीटा वर्जन में देखने को मिलेंगी। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक तुमको नीचे मिल जाएगा।